पीरियड लाने वाली दवाई को खाने के बाद भी हमारे पीरियड नहीं आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए आगे? हमें डॉक्टर ने 5 दिन का कोर्स दिया था, 5 दिन की टेबलेट सारी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो पीरियड था वो स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर हल्का फुल्का स्पॉटिंग में आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए पीरियड कई बार क्या होता है कि पीरियड नहीं आ रहा होता है महिला का, तो कहीं भी मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन ले लेती हैं और लेके खा लेती हैं। उसके बाद महिला का जो है वो पीरियड नहीं आता है, उसके पीछे कई ऐसे कारण होते हैं। सबसे पहले आपको रीजन को समझना चाहिए कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि हमें दवाई लेने के बावजूद भी पीरियड नहीं आते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है, अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो इस कारण आपको मेडिसिन लेने के बाद भी पीरियड नहीं आएंगे, है ना? तो प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए दवाई खाने से पहले, है ना? और डॉक्टर को भी बता देना चाहिए कि हमें प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलग मेडिसिन होती है, पीरियड लाने की अलग मेडिसिन होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कारण होता है महिलाओं को थायराइड या फिर PCOD, है ना, ये भी हॉर्मोनल इश्यूज के कारण आपको हो जाते हैं ये प्रॉब्लम। तीसरा कारण होता है एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण, कई बार आप बीमार हो जाते हैं या फिर आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, मौसम चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, आप खुद बीमार हो गई हैं और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, दवाइयों के कारण भी आपके पीरियड जो है वो कई बार लेट हो जाते हैं। कई बार एकदम से आपने काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है ना, फास्टिंग कर ली है, उस वजह से भी आपके पीरियड आगे पीछे हो सकते हैं या फिर कम ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो कई ऐसे कारण होते हैं जिस कारण कि आपको पीरियड नहीं आ रहे होते हैं। कई बार फाइब्रॉइड हो जाता है, बच्चेदानी में सूजन है, फाइब्रॉइड है, इन्फेक्शन है, इस कारण भी आपके पीरियड नहीं आ रहे होते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा क्या रीजन है, मेरा किस कारण पीरियड नहीं आ रहा है? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक गायनिक के पास जाना होगा। गायनिकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो प्रॉपर चेकअप होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, उससे पता लगाया जा सकता है कि किस वजह से आपके पीरियड नहीं आ रहे। हर महिला की एक ही प्रॉब्लम नहीं होती है, इन जो भी मैंने रीजंस बताए इनमें से कोई भी कारण आपका हो सकता है ना, तो वो पता आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद जब आप चेकअप कराएंगी तभी चलेगा पता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।